हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमन टेक। तो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही बेसिक होने वाला है, जिसमें हम लोग सीखेंगे कैसे करके हम लोग व्हाट्सअप जो स्टेटस अपलोड होता है उसको हम लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपका फ्रेंड या रिलेटिव अपलोड करके देता है। कभी कभी आपको वो स्टेटस बहुत ही अच्छा लगता है और आपको मांगने का मन नहीं करता आपके फ्रेंड्स के या आपके रिलेटिव से। तो आपको करना क्या पड़ता है कि आप प्ले स्टोर में जाते हैं, व्हाट्सअप स्टेटस नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और उससे व्हाट्सअप स्टेटस डाउनलोड करते हैं। तो गाइस, वो जो तरीका है वो पुराना तरीका है, बहुत हार्ड तरीका है और एक तरह का आप बोल सकते हो वो जो एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते, तो उसमें बहुत सारा आपको एड्स देखने को मिलता है जो आपको फ्रस्ट्रेट करता है। मैं आज आपको एक स्मार्ट तरीका सिखाऊंगा जिसके मदद से आप इजीली व्हाट्सएप स्टेटस को डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का जरूरत नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन एक बार खाली ऑन रहेगा, अलग से कुछ भी चीज़ डाउनलोड करने का जरूरत नहीं है। तो आप जनरली करते ये है कि जब भी आप व्हाट्सएप स्टेटस डाउनलोड करना चाहते हैं, आप प्ले स्टोर से व्हाट्सएप स्टेटस डाउनलोडर खोजते हैं तो आपको ढेर सारा एप्लीकेशन देखने को मिलता है। ये सब एप्लीकेशन में कोई भी फॉल्ट नहीं है, बस प्रॉब्लम ये है कि ये सब एप्लीकेशन में आपको स्टेटस के वजह बहुत सारा आपको एड्स भी देखना पड़ता है। अगर आप स्टेटस डाउनलोड करना चाहते हैं तो एड्स भी आपको ढेर सारा देखना पड़ेगा, जो कि आपका टाइम वेस्ट करता है, फ्रस्ट्रेट भी करता है। तो इसी चलते मैंने एक तरीका सिखाया जिसका मदद से आपको कोई भी एप्लीकेशन जरूरत नहीं है डाउनलोड करने के लिए। जैसे आपको करना ही है कि आपको थोड़ा सा ट्रिक अपनाना होगा उसका, जिसकी मदद से आप स्टेटस को डाउनलोड कर सकते हैं या बहुत सारे ऑलरेडी डाउनलोड है उसको आप खोज सकते हैं। तो खोजना पड़ेगा एक चीज़, तब जाकर आपको स्टेटस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको व्हाट्सअप खोलकर दिखाता हूँ और जो मैंने सेकेंड अकाउंट से मैंने एक फ़ोटो अपलोड करके रखा था जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा डेमो। तो ये जो फोटो आप देख सकते हैं या इमेज देख सकते हैं, ये ऑलरेडी मैंने अपलोड करके रखा हूँ और आप देख सकते हैं ये स्टेटस ऑलरेडी लोड हो चुका है। ऐसे करके जो जो मैं तरीका दिखा रहा हूँ इससे करके आप वीडियो को भी आप सर्च कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये दूसरा अकाउंट है जिसमें एक वीडियो अपलोडेड है ऑलरेडी, तो ये वीडियो ऑलरेडी डाउनलोड हो चुका है। एक बार अगर आप वीडियो को देख लेंगे तो आपका जो वीडियो है वो ऑलरेडी डाउनलोडेड हो जाएगा, या कोई भी इमेज को देख लेंगे तो वो इमेज जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये तीनों स्टेटस लोड हो चुका है। तो चलिए हम लोग देख सकते हैं ये तीनों स्टेटस जो अपलोडेड है वो हम लोग का ऑलरेडी डाउनलोड हो चुका है, क्योंकि हम लोग इसमें एक बार देख चुके हैं। एक बार अगर आप देखेंगे सही से तो आपका जो स्टेटस है वो डाउनलोड हो जाएगा। आपको करना ही है कि आपका जो फाइल मैनेजर है उसको जाना होगा, जो कि आपको सबको पता ही होगा फाइल मैनेजर आपको कहाँ रहता है। फाइल मैनेजर में जैसे जाएंगे तो ज़्यादातर सबका व्हाट्सअप डिवाइस स्टोरेज में ही रहता है। अगर आपका एसडी कार्ड में स्टोरेज में व्हाट्सअप इंस्टॉल है तो आप एसडी कार्ड को भी यूज़ कर सकते हैं। मेरा डिवाइस स्टोरेज में व्हाट्सअप इंस्टॉल है तो मेरे डिवाइस स्टोरेज में जाना होगा और उसके पहले आपको करना ही है कि मोर में जाना होगा और जो शो हिडन फाइल है ये ऑप्शन को इसको ऑन कर दीजिए। ये ऑप्शन जैसे ऑन करेंगे तो जितना भी हिडन फाइल होगा वो शो करना लग जाएगा। उसके बाद करना ये है कि आपको व्हाट्सअप नाम का एक फोल्डर होगा उसको खोजना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग व्हाट्सअप एक फाइल दिख गया तो व्हाट्सअप में हम लोग खोल लेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मीडिया का ऑप्शन है, मीडिया में क्लिक करना होगा और इधर आप देख सकते हैं डॉट स्टेटस। तो डॉट स्टेटस में जैसे आप क्लिक करेंगे तो जैसे कि आप देख सकते हैं तीनों स्टेटस में जो जो था मेरा, तीनों स्टेटस आप देख सकते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये वाला इमेज जो कि हम लोग देखे थे, दूसरा अकाउंट अपलोड किए थे, और सेकेंड में आप देख सकते हैं वो वाला वीडियो जो था, और थर्ड में और एक स्टेटस था वो आप देख पा रहे हैं। ऐसे करके आप कोई भी स्टेटस को फाइंड कर सकते जो वीडियो है, और इसके लिए आपको अलग से कुछ भी चीज़ डाउनलोड करना नहीं पड़ रहा है, अलग से कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करने का नहीं पड़ रहा है। बस एक बार खाली आपको स्टेटस देखना है और आपका स्टेटस ऑलरेडी आपके फ़ोन में ही है, जैसे आपको खोजना है। तो ये था एक स्मार्ट तरीका जिसके मदद से आप बेसिक चीज़ को कर सकते हैं इजी वे में। बहुत कोई को ये चीज़ पता नहीं, इसी चलते मैंने सोचा एक बेसिक वीडियो बनाया जाए और मैं ऐसे कोशिश करूँगा कि बहुत बेसिक से बेसिक वीडियो भी लाया जाए। अगर आपको कुछ बेसिक चीज़ भी नहीं पता तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूँगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, शर्माने की कोई बात नहीं है। कुछ भी नहीं आता तब भी मैं कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूँगा। अगर आप मेरे चैनल में नए आ गए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में बेल का आइकन होता है उसको भी क्लिक कर दीजिए, उससे होगा मैं जब भी वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा और आप मेरे कोई वीडियो मिस नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड, एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।